अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहसिन अली और आज की इस वीडियो में मैं करूंगा मेरे गेमिंग पीसी का रिव्यू, जो कि मैंने रिसेंटली बाय किया है। इसके क्या स्पेक्स हैं, ये मैंने कहां से बाय किया और कितने का बाय किया, ये सारी डिटेल्स मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं माजरत करता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, एक महीने से भी ऊपर टाइम गुजर चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो जल्दी अपलोड किया करूँगा। सो वीडियो की तरफ आते हैं, मैंने रिसेंटली अपना गेमिंग पीसी बिल्ड करवाया है। उससे पहले मेरे पास एक गेमिंग लैपटॉप था जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैं चैनल पर कर चुका हूँ। अगर आप में से वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। सो मैंने वो लैपटॉप सेल किया क्योंकि उसमें एक दो मसले मसाइल आ रहे थे, और वो ये थे कि जब भी मैं लैपटॉप पर वीडियो एडिटिंग करने लगता था तो लैपटॉप जो है वो लैग करने लग जाता था, और जो मेरा सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर मैं वीडियो एडिटिंग करता था प्रीमियर प्रो, वो काफ़ी सारे एरर्स वगैरह देने लग जाता था। ये सेम मसला मेरे साथ तब भी हुआ था जब मैंने लैपटॉप लिया था, लेकिन तब मुझे लगा शायद रैम कम है इसलिए ये एरर्स आते हैं। सो तब मैंने इसकी रैम अपग्रेड करवाई, इसमें 8 GB रैम लगी हुई थी, मैंने 8 GB और लगवा के 16 GB करवा दी। तब ये मसला कुछ देर तक ठीक रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो एरर्स दोबारा आने लग गए और लैपटॉप जो है वो हीटअप वगैरह होना शुरू हो गया था। सो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी टर्न ऑफ किया। इसके अलावा एक और मेन रीज़न ये थी कि मैं इस चैनल के लिए गेमिंग वीडियोस बनाना चाह रहा था, और मैं जब भी उस लैपटॉप पे कोई भी गेमिंग वीडियो बनाने लगता था या गेम प्ले रिकॉर्ड करने लगता था तो मेरी जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा लैग करती थी। फिर मैंने ये बात अपने एक दो दोस्तों से शेयर की तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर तुम प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह या गेमिंग करना चाहते हो, तो तुम लैपटॉप को सेल करके गेमिंग पीसी बिल्ड करवाओ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस तुम्हें एक पीसी दे सकता है वो लैपटॉप नहीं दे सकता। सो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि इस टाइम जो स्पेक्स तुम्हारे लैपटॉप की हैं, अगर वही सेम स्पेक्स रखवा के तुम एक पीसी बिल्ड करवाते हो, एक तो वो तुम्हें सस्ता पड़ेगा और जो परफॉर्मेंस होगी वो लैपटॉप से कई गुना बेहतर होगी। सो इसलिए मैंने अपना लैपटॉप सेल किया और गेमिंग पीसी बिल्ड करवाया। सो अब अगर आ जाए कि ये गेमिंग पीसी मैंने कहाँ से बिल्ड करवाया, ये गेमिंग पीसी मैंने गेम्स एंड गीक्स वाले से बिल्ड करवाया था लाहौर से। इनको मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था, वहीं पे मेरी इनसे सारी बातचीत हुई, रेट्स वगैरह पता किए। इनकी जो प्राइसेस थी वो बाकी मार्केट से काफ़ी कम थी, और तब ग्राफिक कार्ड और बाकी पार्ट्स की प्राइसेस वगैरह काफ़ी हाई थी, और इनके पास कुछ डील्स थी जिनमें रेट्स वगैरह काफ़ी कम थे, और उनमें से एक डील मुझे पसंद आई जो कि मैंने इनसे डन करवाई थी। सो इन्होंने बोला कि आप कल हमारी शॉप पे आ जाइएगा, हम आपको पीसी रेडी कर देंगे। तो अगले दिन हम लाहौर चले गए। लाहौर में अल हफीज़ सेंटर में इनकी शॉप है गेम्स एंड गीक्स के नाम से। इनके पास आपको हर ब्रांड की गेमिंग एक्सेसरी मिल जाती है, कीबोर्ड्स, माउस, हेडफोन्स और ग्राफिक कार्ड्स की इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इनके पास RTX 3060 के ग्राफिक कार्ड भी मौजूद हैं, और बाकी भी इनके पास लेटेस्ट पार्ट्स मौजूद हैं। तो अगर आपको इनसे हाई एंड गेमिंग पीसी भी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप इनसे करवा सकते हैं। इनकी शॉप का एड्रेस और पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर विजिट करिएगा। सो हम इनकी शॉप पे गए, जो पार्ट्स वगैरह हमने इंस्टाग्राम पे डन किए हुए थे वो सेलेक्ट किए, परचेज किए, केसिंग सेलेक्ट की, और इन्होंने 2.5 से 3 घंटे में हमारा पीसी जो है वो असेंबल कर दिया। और पीसी असेंबल कराने के बाद हमने वहीं से लंच किया, और लंच करने के बाद हम शाम को वापस गुजरात आ गए। सो अब अगर आ जाए वीडियो के मेन पार्ट पे कि मेरे पीसी की क्या स्पेक्स हैं। स्पेक्स मैंने सेम ही रखवाई थी जो कि मेरे लैपटॉप की थी, सिर्फ प्रोसेसर में डिफरेंस है कि मेरे लैपटॉप में i5 9th जनरेशन का प्रोसेसर था, लेकिन पीसी में मैंने i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर रखवाया, लेकिन फिर भी मेरे पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो लैपटॉप से कई ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड इसमें मैंने ज़ोटेक का GeForce GTX 1650 लगवाया 4 GB का, इसमें 16 GB की मैंने रैम लगवाई DDR4, 128 GB की NVMe SSD हार्ड लगवाई, इसके अलावा मैंने एक 1 TB की एक्सटर्नल हार्ड भी लगवाई। केसिंग पर आ जाए तो केसिंग मैंने टाइगर्स की हंटिंग केसिंग सेलेक्ट की थी जो कि एक नॉर्मल केस है, और ये मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये का कास्ट किया था। सो ये तो होगी मेरे पीसी की स्पेक्स। अब अगर पीसी की प्राइस पर आ जाए तब ये पीसी मुझे 1,16,000 रुपये का कास्ट किया था, जो कि लैपटॉप से काफ़ी अच्छी प्राइस से मुझे मिला था। लैपटॉप मैंने 1,20,000 का बाय किया था और पीसी मुझे 1,16,000 का टोटल कास्ट किया। सो अभी हम अगर गेम्स पर आ जाए तो मैं इस पर GTA 5 और नीड फॉर स्पीड ये दोनों गेम्स खेल रहा हूँ, और अभी ये दोनों गेम्स मैं आपको खेल के भी दिखाऊंगा। इससे पहले लैपटॉप पे भी मैंने ये दोनों गेम्स आपको खेल के दिखाई थी, और लैपटॉप पे जो गेम्स की सेटिंग्स थी वो मैंने लो पे रखी हुई थी और गेम्स कभी कभार लैग भी करती थी, और अभी मैंने इस पीसी पे इन दोनों गेम्स की जो सेटिंग्स है वो मैंने हाई पे रखी हुई हैं, और अभी ये दोनों गेम्स मैं आपको खेल के भी दिखाऊंगा। सो आइए सबसे पहले GTA 5 प्ले करते हैं। सो गाइस हम अपनी गेम में आ चुके हैं, सबसे पहले मैं आपको सेटिंग चेक करवा दूँ गेम की। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग जो मैंने सारी अल्ट्रा पे की हुई है, रेजोल्यूशन आपको 1080 पे मिल रही है, रिफ्रेश रेट 75 Hz पे मिल रहा है, टेक्सचर क्वालिटी भी मैंने वेरी हाई पे की हुई है, शेडो क्वालिटी भी वेरी हाई पे है, वाटर क्वालिटी भी, सारी सेटिंग जो मैंने अल्ट्रा पे हाई पे की हुई है। सो अभी हम वापस अपनी गेम में आते हैं।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल है गेम में, डेप्थ आपको नज़र आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा। ये मेरे पास गाड़ी है, इसको मैंने थोड़ा सा ट्यून किया है और मॉडिफाई किया है, अंदर से भी मैंने सारी मॉडिफाई की है। सुल्तान नाम है गाड़ी का। सो अभी हम अंदर से देख लेते हैं गाड़ी। सो गाड़ी आपने देख ली है, अंदर से सारी तैयार हुई है, हम इसको ड्राइव करते हैं। ड्रिफ्ट मारने की नाकाम कोशिश। तो गाइस आप देख सकते हैं काफी स्मूथ चल रही है गेम, कोई लैग वगैरह नहीं है। लैपटॉप पर मैं जब गेम खेला था और साथ रिकॉर्ड करता था तो काफी ज्यादा गेम लैग करती थी। यहाँ पे हम साइड पे चलते हैं दरिया के पास, नहर के पास। यार आप ग्राफिक्स चेक करें, मैं खुद अक्सर हैरान होता हूँ यार। गेम की डिटेल चेक करें आप, हर एक चीज़ आपको डिटेल में देखने को मिलेगी हाई रेजोल्यूशन पे। ग्राफिक्स, पानी भी आपको बिल्कुल रियल पानी की तरह नज़र आएगा, जैसे रियल लाइफ में होता है। इसमें मैंने कुछ मोड वगैरह भी इंस्टॉल किए हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। इसमें मैंने नेचुरल वियन इवॉल्व एक है मोड, इसका 3-4 GB का, उसको इंस्टॉल करने से जो गेम के कलर्स हैं वो रियल लाइफ जैसे हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो गाड़ी का कलर है वो ग्लो कर रहा है, और इसकी जो स्किन है प्लेयर की वो भी आपको उसी रियल टच में नज़र आएगी। इस तरह की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं गेमिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाया करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी गेमिंग वीडियो हो। गाइस इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा गेम प्ले आपको कैसे लगा। फर्स्ट टाइम है, शायद थोड़ा सा आपको ठीक ना लगे मेरा बोलना या मेरी कमेंट्री आपको अच्छी ना लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इस चीज़ को इम्प्रूव करता जाऊँगा। फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा आपको फील होगा कि गंदगी में भी काफ़ी लो था, और ये बोलते बोलते मैंने एक्सीडेंट करवा ली। अभी थोड़े ग्राफिक्स और अगर आप अच्छे देखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी बारिश करते हैं, तो ये आपको जो है एकदम से चेंज नज़र आया होगा ग्राफिक्स में। रोड से वो आपको गीले गीले से रिफ्लेक्शन देते हुए नज़र आएंगे, जैसे पानी खड़ा होता है रोड पर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल है गेम में। अभी देखें उसी बारिश हुई है, रोड गीले हो गए हैं, तो मैंने दोबारा नॉर्मल वेदर कर दिया, तो गेम में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ आ गई है, ग्राफिक्स और भी आपको अच्छे फील होंगे रियल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को गेम को साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय नहीं भी कर रहे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि बंदा अभी नया नया है इस फील्ड में। तो आप देख सकते हैं कितनी डेप्थ आपको नज़र आ रही है, जो कीचड़ गाड़ी के साइड पे लगा हुआ है वो भी आपको डिटेल में नज़र आ रहा है। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं गाड़ी की, रोड्स आप देखें, बिल्डिंग्स चेक करें। सो गाइस ये था GTA 5 का गेम प्ले। अभी हम नेक्स्ट गेम जो है वो उसको ओपन करते हैं, नीड फॉर स्पीड पे बैक को। सो इस गेम को दे इजाज़त। सो गाइस हम अपनी दूसरी गेम में आ चुके हैं नीड फॉर स्पीड पे बैक में, और यहाँ पे हमारे पास गाड़ी है लैम्बोर्गिनी। सबसे पहले इस गेम की भी मैं आपको सेटिंग्स चेक करवा दूँ। इस गेम की भी जो सेटिंग्स हैं सारी वो मैंने अल्ट्रा पे की हुई हैं। सो इस गेम के भी जो ग्राफिक्स हैं वो आप देख सकते हैं काफ़ी हाई हैं। आपके रिफ्लेक्शंस और जो गाड़ी है देख के आपको पता चल रहा होगा कि ग्राफिक्स कितने हाई हैं इस गेम के। इसकी आँखें कुछ जल रही हैं ड्राइवर की। इस गेम के भी जो ग्राफिक्स आप देख सकते हैं कितने डेप्थ में है। जो गेम की डिटेल्स हैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में देखने को मिलेगी।
स्टंट करते हैं, उसके बाद जो है थ्री स्टार्स मिले हमें इस जंप के। अभी हम आ चुके हैं अपने रोड पे। गाड़ी थोड़ी ट्यून करवाते हैं अगर और होती है तो। सो $24,000 का हम अपग्रेड करवा रहे हैं, $24,000 और अपग्रेड करवा रहे हैं। इसमें जो आपकी गाड़ी का लेवल जो है वो बढ़ता है अपग्रेड करने से। सो जितना लेवल आपका ज़्यादा होगा गाड़ी का, उतने आपकी जो रेसेस हैं जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या सो अभी के लिए बस करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूं, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। साउंड चेक कर रहे हैं आप बताओं का। लाइटिंग में जो गाड़ी पर रिफ्लेक्शन आती हैं वो काफ़ी रियल टच देती हैं ग्राफिक्स को। सो गाइस ये था हमारी दूसरी गेम का भी गेम प्ले। GTA 5 का भी मैंने गेम प्ले आपको करके दिखाया, नहीं फर्स्ट स्पीड भी मैंने आपको खेल के दिखाई। इस गेम की भी जो सेटिंग्स है मैंने अल्ट्रा पे रखी हुई थी, और आपने इस गेम के ग्राफिक्स भी चेक किए, काफ़ी रियलिस्टिक हैं, काफ़ी हाई ग्राफिक्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मिस्टेक्स आपको मेरी नज़र आई हैं तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो से जो मिस्टेक्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।